हेलो एवरीवन, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार जो पानी का जो स्तर है ना भाई, कालपी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसी जगह का आपको देखो दिखा देता हूँ। कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखो भाई पानी बिल्कुल भाई ऊपर आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो भाई कल वाली वीडियो जाके देखना। ये देखिए भाई, इस साइड भी पूरा पानी ऊपर आ चुका है और धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा है पानी। तो कोटा साइड वगैरह में तो शायद घटा है, बट इधर अभी घटने के चांसेस थोड़ा सा कम है। तो और भी जगह आपको लेके चलते हैं, दिखाता हूँ भाई कि वहाँ के भाई क्या हाल है। तो भाई हम लोग यार पुल पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए भाई लोग भीड़ लगा रहे हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं पानी के साथ। और यार पानी काफी ज्यादा भाई बढ़ चुका है। अभी एक जगह रोकते हैं, आपको दिखाते हैं भाई पानी का हाल क्या है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई पानी कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल जैसे पास में ही बह रहा है। मैं एक आधा भाई ऐसी फ़ोटो यहाँ पे डालने की इसमें कोशिश करूँगा कि आपको पता चले कि अभी जो ये पानी का पार्ट है, ये भाई जब फ्लड नहीं होती तो कैसा लगता है। दूसरे साइड भी आपको भाई चल के दिखाते हैं थोड़ा सा गाड़ी देख के। तो आप सामने देखो, कोठी देख सकते हो कि बस कोठी के बिल्कुल नीचे ही है पानी, उसको टच करने लगा। पिछली बार जब बाढ़ आई थी, क्यों धवल, कोठी टच नहीं हुई थी? कोठी नहीं होने लगा था, कोठी टच, कोठी के और ऊपर था। अभी वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा जितना लास्ट ईयर पहुँच गया था, अभी उससे थोड़ा सा नीचे है। बट पीछे इटावा साइड और कोटा साइड पे जो पानी है वो घट गया है। तो भाई मनाइए कि यहाँ पे भी घट जाए यार, पिछले साल जैसा हाल ना हो, क्योंकि बहुत सारे गांव यार खाली करा दिए गए थे। और अभी भी इस साल भी भाई खाली तो हुए हैं, बट आप देख लो भाई, कैमरा का भाई रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए। तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। तो और भी जगह आपको अभी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि भाई पानी ने भाई क्या क्या तबाही कहाँ कहाँ मचा रखी है। हाँ तार आ रहा है ना भाई, तार पड़ा हुआ है। बाकी उस वाली कोठी पे देखिए, मैं देखिए जूम करके दिखाता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा ना कि पानी अभी टच नहीं कर रहा, पिछली बार वो पूरी कोठी पे भाई पानी टच करने लगा था। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा, पानी घटेगा कि बढ़ेगा। बाकी आगे चलते हैं और जगह आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए भाई, ये अगल बगल का जितना भी हिस्सा था ये भाई पूरा यहाँ पे यार ये पानी में डूब रखा है। बाकी यहाँ पे एक ये पोल्ट्री फार्म था जो कि भाई पूरा डूब चुका है। सामने देखिए आप, एक घर वहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ का ये देखिए पूरा जो हिस्सा है ना भाई, ये सब पानी में जा चुका है पहले से। लेकिन इनको मान दो मुर्गियाँ वगैरह भाई हट गई हैं। बाकी और भी आगे जो कौन सा दिलौलिया गाँव है वहाँ पर भाई पूरा पानी आ चुका है। देखिए लोग भाई तैर तैर के भाई वहाँ जा रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो भाई बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत है लोगों को। चलिए अब और आगे चलते हैं। तो सामने देखिए भाई लोग भाई वहाँ देखिए तैर के जा रहे हैं सामने, और उनके भाई पूरे जो ये पूरा गांव है पूरा भाई जलमग्न हो रखा है। बाकी अभी नीचे चलता हूँ, नीचे चलो, वहाँ नीचे चलते हैं भाई। हम लोग सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपको भाई थोड़ा सा जो नीचे का नज़ारा है वो भी दिखाते हैं भाई। तो ये देखिए भाई सामने ये मंदिर है जो कि भाई पूरा भाई डूब चुका है अंदर। और भाई ये मतलब यहाँ पे खेती वगैरह होती है, लोगों के यहाँ पे खेत हैं जो कि भाई पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो जितनी भी ऊपरी जगह हैं वहाँ पे उन लोगों को तंबू वगैरह लगा के भाई वहाँ पर लोग रह रहे हैं भाई। बहुत यार लोगों को दिक्कत होती है। और उस साइड पर जो नया जो ब्रिज बन रहा है उसका जो शेड वगैरह लगा है वो भी भाई पूरा डूब गया है। तो भाई देख लीजिए भाई कैसा लगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि भाई ठीक है, सेफ़ नहीं है। चलिए दूसरी जगह चलते हैं। तो अभी जिस रूट पे हूँ मैं, तो ये रास्ता सीधे जाता है बाई घाट। तो आप भी देख सकते हैं पूरा कि यहाँ पे पानी भर चुका है। अब ये समझ लीजिए यहाँ से लेके नदी तक पूरी गाड़ी चली जाती है। ये पूरा RCC भाई रोड यहाँ से लेके पूरा बना हुआ है नीचे तक। और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा भाई जलमग्न हो रखा है। तो अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पे जो दोनों रेलवे के जो ब्रिज हैं उनके पास लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको जो बहाव है पानी का उसका थोड़ा सा अंदाज़ा मिले कितना तेज़ बहाव है। तो भाई पुल के पास तो हम लोग आए थे, पिछली बार तो पुल के नीचे तक चले गए थे, बट यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। बाकी पानी भाई ये देखिए यहाँ अगल बगल तक आ चुका है। और भाई गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है आपके लिए भाई, वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में आके, कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना यार। तो अभी चलते हैं पुल के उस साइड, वहाँ का भी दिखाते हैं भाई आपको नज़ारा। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो भाई पानी का बहाव आपको दिख रहा होगा। और ये जो दिख रहा है आपको नीचे मिट्टी, ये काफ़ी आगे तक थी,
मतलब लास्ट टाइम जब आए थे तो हम लोगों ने यहीं पे भाई शूट किया था, यहीं इस साइड आओ, इस साइड आ जा। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो यहीं से भाई ड्रोन उड़ाया था हमने, जो यहाँ नीचे हम लोग खड़े हुए थे, तो भाई यहाँ से बढ़िया शॉट वगैरह लिया था बीच के पुल का। बट अभी तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, पूरी भाई जो मिट्टी है वो कट चुकी है। तो यहाँ से आप भाई बहाव देख लो भाई किस तरीके का है। और अभी तो अब पता नहीं अभी आया क्या होगा बाकी। ये भाई ये नया रेलवे पुल बन रहा है और ये पुराना वाला है, तो नया वाला भी चालू नहीं हुआ है। और बाकी अपना जो मेन जो रोड वाला जो पुल है वो देखिए, वो सामने दोनों दिख रहे हैं। और यहाँ से भी आपको थोड़ा सा देख रहे पटरी पे चलना पड़ रहा है आपकी वजह से। तो यहाँ नीचे का भी भाई दिखाते हैं आपको, तो नीचे भी देखिए पूरा भाई पानी यहाँ पे हो रखा है। तो चलिए अब आगे किसी और जगह चलते हैं। अभी हम लोग आए हैं भाई किले घाट पे, और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है भाई अभी नया यहाँ पे जिम खुला है। और ये देखिए भाई, एरियल व्यू तो नहीं दे पाया बट यहाँ का जो व्यू है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना भाई पानी फैला हुआ है। मेरे पास कोई फोटो होगी तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे वैसे कितना पानी रहता है और अभी कितना है। मेरे पास पक्का होगी स्नैप की मेमोरी। हाँ नहीं तो ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे रहती थी भाई नदी, वो पूरा वो सामने आपको दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ, वो है व्यास क्षेत्र। तो भाई पूरा देखिए भाई जलमग्न हो रखा है पीछे, यहाँ तक पानी काफ़ी दूर तक भाई वहाँ पे मुझे पानी दिख रहा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बाकी अभी वहीं चल रहे हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हाल हैं। तो भाई यहाँ पे यार जो पानी भरा है, तो ये लास्ट टाइम पे भाई यहीं पे एक जो बोट थी भाई डूब गई थी, तो जहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया था, अगर आपने लास्ट टाइम वाली फ्लड वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा जाके, यहीं पे मैंने भाई ड्रोन फ्लाई किया था और उसमें जो बोट में जो कुछ लोग थे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो यही वो जगह है, बाकी यहाँ तक तो भाई पानी आ चुका, पिछली बार और थोड़ा सा ऊपर ही था लगभग पानी, थोड़ा सा अभी पिछली बार से थोड़ा कम है। क्यों सफल तुम आए थे यहाँ तक? नहीं भाई मैं, तुम आ गए जब हम घर गए, तुम यहाँ वापस। हाँ हम लोग क्योंकि पता चला था कि भाई वहाँ पे यार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, तो भाई वहाँ पे आ गया था क्योंकि सबको पता था कि ड्रोन है मेरे पास। बाकी हाँ जिसको नहीं पता, ड्रोन मैंने बेच दिया था भाई, तो इसकी वजह से ड्रोन शॉट इस बार आपको नहीं मिलेंगे। बाकी व्यास क्षेत्र जाने का यही रास्ता है, तो बस यहीं तक, और नाव चल रही है वहाँ दूर, आपको दिखेगी नहीं, पेड़ के पीछे है। तो क्योंकि जो गांव वाले हैं उनको भाई ऐसे ही यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि भाई निकल नहीं पा रहे। तो यही सेम जगह थी जहाँ तक भाई आ पाए थे, इसके आगे नहीं आ पाए थे। तो देख लीजिए भाई क्या हाल है भाई यहाँ का। तो अब चलते हैं किसी और जगह का दिखाते हैं आपको क्या हाल है। तो ये देखिए भाई यहाँ तक पूरा भाई पानी, थोड़ा सा नीचे ले चलो यार बाइक को। तो ये है भाई बिहारी जी मंदिर राइट में, और यहाँ ये देखिए भाई आगे पूरा ऊपर तक पानी आ चुका है। आप समझिए कि कार हम लोग नीचे तक लेके जाते हैं भाई यहाँ से, क्यों सफर काफ़ी नीचे जाते, काफ़ी नीचे भाई हम लोग कार लेके जाते थे, बट अब तो कोई भाई चांस ही नहीं है कि गाड़ी के हम लोग भी चले हैं। बोट वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, हर जगह पे बोट वगैरह लगा रखी क्योंकि पता नहीं भाई कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाए। तो देख लीजिए भाई ऐसा कुछ हाल है यहाँ का। देखो भाई अगल बगल का ये पूरा क्षेत्र है, सिर्फ रोड पे भाई पानी नहीं है भाई, बगल में साइड में सब जगह पे भाई पानी आ चुका है और धीमे धीमे भाई जो वाटर लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई ये वाला जो रास्ता है ना, ये काशीराम कॉलोनी जाता है, ये इसमें भी देखो भाई पूरा यार इसमें पानी भर चुका है और धीमे धीमे पानी आगे ही बढ़ रहा है। तो भाई ये इलाहाबाद बैंक के पीछे की जो घर वगैरह वो सब बने, और देख रखते हैं कि भाई पूरा थोड़ा सा करना भाई, तो भाई पूरे का पूरा यहाँ पे भाई पानी भर चुका है। और थोड़ा सा आगे चलो, आगे का भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो शहर के में लगभग अंदर ये देखिए पानी भाई बहुत चुका है, और इधर का भी हिस्सा देखेंगे तो ये देखिए भाई पूरा भाई ये भाई फैक्ट्री है जिसमें अंदर देखिए पूरा भाई माल जो तैर रहा है। और यहाँ पर भी बस देखिए रोड से थोड़ा सा ही नीचे रह गया है पानी, तो यहाँ पर भी आ गया, ये देखिए भाई बिल्कुल मतलब पास में ही आ चुका है। और अभी जो पचपिंडा देवी वाला साइड है वहाँ का भी आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं कि भाई कैसा है, वहाँ तक पहुँच तो नहीं पाएंगे बट दिखा तो थोड़ा बहुत सकते ही हैं आपको। तो भाई ये देखिए ये जो रास्ता है ये सीधे पचपिंडा देवी जाती है, ये भाई पुरानी वाली टॉकीज थी, उसके भाई पीछे हैं हम लोग। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि भाई पूरा भाई पानी भाई हो रखा है, पानी हो गया। तो भाई अब ये देख रहे हो बाइक यहाँ खड़ी है और बस बिल्कुल लेवल पे है, मतलब कि पानी रोड पे आने ही वाला है। और भाई जो लोग जो अपने घर में फंसे हैं तो भाई वो फंसे ही रह गए हैं, निकल अभी सकते नहीं क्योंकि भाई पानी सब जगह हो गया है। तो भाई ये है पचपिंडा देवी के रास्ते जहाँ पे भाई नाव चलना भाई स्टार्ट भी हो गई है।
तो ये पहली बार है ना, मतलब मैंने एक सेम डे वीडियो शूट किया, एडिट किया और भाई अपलोड भी कर दिया। तो आज है 26 अगस्त। तो अगर आप 26 अगस्त मतलब आज के दिन अगर देख रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक देना, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस लेके आऊं जो काल्पनिक, जो मतलब वैसे हो रहा है। वैसे तो 5 दिन में डेली व्लॉग करूंगा गणेश चतुर्थी पे, और मनाएंगे कि भाई तब तक पानी उतर जाए तो और अच्छे से भाई जो हमारा प्रोग्राम है वो हो पाएगा। और बाकी इस वीडियो को प्लीज यार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।